भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन 3 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके बाद में जयपुर शहर के परकोटे के बाजार भी सजने लगे हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर भारत चीन विवाद का असर भी देखा जा रहा है। बाजार से अधिकतर दुकानों पर चाइनीज राखियां गायब है, तो वहीं राखी व्यवसाय से जुड़े दुकानदार स्वयं राखियां तैयार कर स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ रोड इलाके में राखी व्यवसाय से जुड़े राजेश मित्तल की दुकान पर 2 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की स्वदेशी राखियां मौजूद हैं और वो खुद तैयार करवाकर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आने में कुछ ही दिन का वक्त बाकी है। जहाँ एक तरफ कोरोना का संक्रमण का कहर है, लेकिन भाई बहन का ये प्रेम का अटूट का त्योहार जो है कोरोना काल में जो है आड़े नहीं आ रहा है। लोग जो है इसकी तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर जो है राखियों का बाजार भी जयपुर शहर के परकोटे में सज चुका है। जगह जगह है दुकानों पर जो है अलग अलग वैरायटी की राखियां तैयार की जा रही है। इस बार खास तौर से बात यह है कि जो है चाइनीज राखियां हैं उसकी जो है इस बार बाजार में नहीं देखी जा रही है। हालांकि पुरानी कुछ राखियां जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार स्वदेशी, जो कि प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था कि आत्मनिर्भर भारत लोकल वोकल, तो कुछ ऐसी ही राखियां यहां पर जयपुर शहर के परकोटे में तैयार की जा रही है। महिलाएं आप देख सकते हैं ये काम में जुटी है, जो खुद यहां पर राखी तैयार कर रही है। इसके बाद ये राखियां बाजार में जाएगी और जो है कह सकते हैं एक तरीके से स्वदेशी को बढ़ावा है, तो दूसरी तरफ रोजगार भी मिल रहा है। चूंकि कोरोना चल रहा है तो ऐसे में कई लोगों का रोजगार भी छीन गया था। कुछ लोग जो है और भी कई तरह के काम करते थे, लेकिन जो है राखी का त्यौहार आया तो स्वदेशी को बढ़ावा, राखियां तैयार कर रहे हैं। हम लोग उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से तैयार करते हैं और उन्हें जो है कितना मेहनताना मिल रहा है और किस तरीके से राखियां तैयार की जा रही है। बताएं कितनी राखी तैयार करने में कितना समय लगता है, किस तरह की वैरायटी? बहुत टाइम लग जाता है एक राखी को तैयार करने में, बहुत सारी वैरायटी है, कंफ्यूज है बस कितनी सारी वैरायटी है कि अपने भाई के लिए सबसे बेस्ट राखी कहाँ से लाए बस। और हम लोग कोशिश यही है कि अपने भाई को इस साल भी हमेशा की तरह बेस्ट से बेस्ट राखी बांधे। और कोरोना चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग चाइना आइटम नहीं है, सिर्फ इंडियन है और बूटिया है, गोटा पत्ती है, इस तरीके के आइटम हैं। चाइनीज़ कोई आइटम नहीं है, जो पुराना माल पड़ा था सिर्फ वो ही दिखने में आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। राखी बनाने के काम में जुटी महिलाओं को जो है एक तरफ रोजगार मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जो प्रधानमंत्री की पहल है स्वदेशी को बढ़ावा देना, तो उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि कोरोना काल में आप राखी बना रहे हैं, कितना समय लगता है, कैसे तैयार होती है? इसमें ना बहुत टाइम लग जाता है राखी बनाने में, एक राखी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। धागा है वो अलग जगह जाता है बनने के लिए, मोती, फिर इसमें पैंडल लगते हैं, कई राखियों में पैंडल लगते हैं, कई राखी सादा होती है उनमें मोती पूते हैं कई में, और पैकिंग भी अलग जगह अलग अलग महिलाओं के पास जाती है, वो अलग अलग होती है, वैरायटियाँ अलग अलग है इसमें। जैसे कहीं में पैंडल लग रहे हैं, कहीं में ना कुंदन लग रहे हैं, कहीं में ना स्टोन लग रहे हैं, कई बच्चों की है, छोटी महिलाओं की है, चूड़ा राखी है, कहीं में अलग अलग वैरायटियाँ कड़े हैं। जहाँ एक तरफ स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही दुकान के अंदर जो है अपना खुद का प्रोडक्ट तैयार कर यहाँ पर राखी तैयार कर रहे हैं, कितना इस बार जो है प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था, इसके बाद जहां एक तरफ बॉर्डर के हालात है चाइना, उसके बाद चाइनीज माल को बहिष्कार का भी कहा गया, तो इसके बाद इतना कितना असर पड़ता है? सर, ये अपील प्रधानमंत्री जी की देश के लिए बहुत सुखद अनुभव वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा राखियाँ स्वदेशी पैटर्न पर ही, गोटा पत्ती हुआ जो राजस्थानी पैटर्न होता है मेन, उसी पर तैयार किए और उसी के हिसाब से हम राखी बना रहे हैं। आप रोज़गार भी दे रहे हैं उनको यहाँ पर जो महिलाएँ आप सीख रही है? राखी का मेरे पास कम से कम 100 से 150 महिलाएं हैं, वो राखी का उनको घर भी देते हैं, घर बना के भी देती है, और हमारे यहाँ 20 से 25 का स्टाफ है लेडीज़ का, तो उनको रोज़गार भी मिलता है और वो मतलब दैनिक अपना काम भी होता है। कोरोना के काल में भी भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के त्यौहार में जो है उत्साह लोगों में कम नहीं है। लोग यहाँ पर राखियाँ खरीदने के लिए आ रहे हैं और अपने भाई को जो है, बहन जो है, ये राखी बांध कर जो है भाई जहाँ रक्षा का जो है वचन निभाता है, तो वहीं बहन अपने भाई के प्रति प्रेम दर्शाएगी। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 TV जयपुर। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए।